नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा के बाद जिस महालक्ष्मी के 30 टुकड़े फिर से हुए हैं, पूरी फोटो मैंने आपको दिखाई है किस तरीके से टुकड़े फ्रिज में रखे गए, वो सारी जानकारी आपको देने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी ये आपको दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश से आ रही, जहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद दानिश और मोहम्मद अमीन नाम के दो कुत्ते थे, जो कि 5वीं कक्षा के बच्चे का स्कूल के बाहर बैठ कर इंतजार कर रहे थे। बाहर निकलते स्कूल के किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके होटल में लेकर के चले जाते हैं। होटल में रेप करते हैं और उसके बाद बच्चे को घर के बाहर फेंक देते हैं एक कूड़ेदान की तरह। फिलहाल जो है मोहम्मद दानिश और मोहम्मद अमीन पे FIR दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई करी जा रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो अपराधी दो हैं जिन्होंने रेप किया है, उन पर ही FIR दर्ज हुई होगी, शायद कार्रवाई भी उन पर करी जाएगी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जिस होटल में लेके गए थे, क्या वो बच्ची जो 5वीं क्लास में पढ़ रही थी खुशी खुशी गई होगी? बिल्कुल भी नहीं। जब किडनैप करके लेके गए हैं तो हो सकता है कि होटल वाले की भी साझेदारी होगी उसमें, तो कार्रवाई मेरे हिसाब से होटल वाले पे भी करनी चाहिए और उस होटल को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो गैंग रेप करवाया, ऊपर से नाबालिग भी थी। अब बात करते भाई महालक्ष्मी की, जिसका ऑलरेडी एक पति था, जिसके बच्चे भी थे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ना इसे प्यार कर बैठी पढ़ी लिखी लड़की, 30 टुकड़े में पड़ी फ्रिज में पाई गई। पूरी जानकारी आपको न्यूज़ के माध्यम से दिखाता हूँ, जो जो इसमें लिखा न्यूज़ में वो सारी चीज़ आपको बताता हूँ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बारे में तब पता चला जब महालक्ष्मी के घर से दुर्गंध आने लगी, पड़ोसियों ने इसकी शिकायत करी और फिर महालक्ष्मी की माँ मीना राणा, वैसे तो अरेंज मैरिज में आपने देखा होगा ना कि भैया बहुत कास्ट वास्ट करते हैं, लड़की थोड़ा अगर एक क्लास भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो लड़के से तो शादी नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे राणा ही होंगे ये लोग भी, ना ही से प्यार कर बैठी 30 टुकड़ों में कटी पाई गई। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की के परिवार वाले हैं सोच बदलनी चाहिए। जब लव मैरिज में एक पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ नाई के साथ में रह सकती है, तो फिर अरेंज मैरिज में इतना कुछ क्यों देखा जाता है कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। अगर लड़की जिस लेवल की है उससे ऊपर ही लड़का होना चाहिए लेवल का। यहाँ पे भैया आपको थोड़ा देखने सुनने की ज़रूरत है, नहीं तो लड़के ऐसे कटती पाई जाएंगी और तुम एक एक लेवल देखते जाओ कि हाँ लड़की इतनी पढ़ी लिखी है तो लड़का उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम हुआ तो भैया कहाँ से कमा के खिलाएगा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? माँ मीना राणा और बहन लक्ष्मी के घर जाकर जांच की। मीना राणा ने अपनी शिकायत में कहा, जब हमने दरवाजे को खोला और अंदर गए तो घर की हालत देखकर बेहद खराब थी। पूरे घर में सामान बिखरा हुआ था, रसोई के पास कीड़े रेंग रहे थे, खून के धब्बे दिखाई दिए थे। जब मैंने फ्रिज खोला तो उसमें शव के टुकड़े देखकर मैं बाहर दौड़ आई, क्योंकि होपलेस हो गई होगी वो चीज, जिंदगी में पहली बार उन्होंने वो चीज देखी थी। फिर उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। महालक्ष्मी के मुताबिक आखिरी बार उनकी बेटी से फोन पर बात 2 सितंबर को हुई थी, जब महालक्ष्मी ने बताया था कि वह जल्द ही अपने पति से मिलने जाएंगे, जिसके बाद से उनका संपर्क नहीं हो पाया था। जो पहले वाले पति थे उनसे मिलने की बात चल रही थी। हेमंत दास ने बताया कि इस केस में अशरफ नाम का एक जो व्यक्ति है उस पे संदेह है, जो नेल मंगल में एक सैलून में काम करता था। इसका मतलब ये हुआ कि उस भिखारी की अपनी दुकान तक नहीं थी, काम करता था। हेमंत ने बताया कि महालक्ष्मी का अशरफ से अवैध संबंध था और उन्होंने अशरफ के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस भी दर्ज कराया था। हेमंत का दावा है कि अशरफ ने महालक्ष्मी को ब्लैकमेल कर कई बार परेशान किया था। हेमंत ने बताया कि अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला है। हेमंत का कहना है कि मई अप्रैल में 2023 में इन दोनों के संबंध में गैर संबंध के बारे में मालूम चला था। मुझे इतना पता चलते है महालक्ष्मी से मैंने दूरी बना ली थी, 9-10 महीने से उससे कोई संपर्क नहीं था। हेमंत ने यह भी बताया कि महालक्ष्मी ने नीलमंगल पुलिस स्टेशन में अशरफ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। बाकी जांचकर्ता का यह कहना है कि भाई 150 से अधिक CCTV कैमरे फुटेज विश्लेषण किए गए हैं। पुलिस अभी भी महालक्ष्मी के मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश कर रही है। ये चीज़ अभी उनके पास नहीं मिली है। अगर उनका मोबाइल भी मिल जाता है महालक्ष्मी का, तो बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है कि जो इसके कातिल है इसके पीछे कौन कौन थे और किस किस की साजिश है, क्योंकि जिस जिसकी भी साजिश होगी वहीं पे महालक्ष्मी का जो कातिल है छुपा होगा। तो इसीलिए अभी हथियार के और मोबाइल की जांच करी जा रही है। और जो महालक्ष्मी का पति है हेमंत, उसका कहना है कि भाई वो जो है कभी कदर अपनी बेटी से मिलने के लिए भी नील मंगला स्थित दुकान पर आती थी। तो ये सारी जानकारी है भाई इस केस को लेकर, बाकी अभी जांच चल रही है। हेमंत और महालक्ष्मी की शादी की बात करी जाए तो 6 साल हो चुके थे, मतलब 6 साल से व्यक्ति समझा रहा था लेकिन फिर भी नहीं मान रही थी। बाद में क्या करती है, अपना घर छोड़कर उसके साथ में किराए में रहने लगती है। सब लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको मारो, कुछ ऐसे कठोर कानून बनाओ, कुछ ऐसे फैसला सुनाओ कि भैया लोगों की रूह कांप जाए। लेकिन प्रश्न ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को यानी एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी में नहीं माना है, तो क्या सजा मिलेगी?
बाकी देखते हैं आगे। हम लोग लड़कियों को बचाते हैं कि लड़कियां बचे लड़कियां बचे, लेकिन यहाँ पे भैया पति को छोड़कर अपने बच्चे को छोड़कर किराए पे भटकने के लिए पहुंच जाती है नाई के दुकान में नौकर के साथ। आखिर में फिर से मेरा वही प्रश्न है, हो सके तो इतना सा काट के जो मैं बोलने जा रहा हूँ इतना सा क्लिप काट करके वीडियो को और लोगों तक पहुँचा दो कि अरेंज मैरिज के टाइम पर तुम लोग इतना क्यों देखते हो कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़की को कमा के खिला पाएगा या नहीं। अगर ज़रा सा भी एक आध क्लास कम पढ़ा होता है तो भाई तुम शादी नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो इसके बारे में बताओ। कई बार ऐसा होता है कि लड़की को पढ़ने का मन करता है या कुछ बनने का मन करता है, लेकिन माँ बाप जो है उसके पहले शादी कर देते हैं, लेकिन जो पति होता है वो पूरे सपने करता है, IAS ऑफिसर तक बना देता है, फिर बाद में पति को क्या मिलता है, ठेंगा, उसी के मुँह पर लात मार के भाग जाती है। ये अरेंज मैरिज की कहानी है जिसमें माँ बाप खुद भी एक एक कास्ट देखते हैं, गोत्र देखते हैं, पैसा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तब जाके शादी करते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम किसी भी कास्ट से हो, कुछ भी हो, या तुम्हारा मजहब कुछ और हो या धर्म कुछ और हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, माँ बाप भी खुश होंगे। लड़की कितनी ही अमीर हो, नाई के दुकान में काम करने वाले नौकर तक्की के साथ शादी कर लेती हैं, यहाँ तक कि तो कबाड़ियों के साथ भी भाग जाती हैं। ऐसा क्यों?